भारत का शुरू से रिकॉर्ड रहा है कि जो लेबर रिफॉर्म है, लेबर रिफॉर्म यानी मजदूरों को उनकी सेफ्टी प्रोवाइड कराना, ये बहुत कमजोर रखे हैं, ये रिकॉर्ड रहा है उनका। अब ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ पता हो, एक ट्रेजेडी हुई थी बाटला पंजाब के अंदर, एक वहाँ पे जो पटाखे बनाने वाली कंपनी है उसमें धमाका हो गया था, 24 लोग, 24 से लगभग 2 दर्जन के लोग वहाँ मारे गए थे। और एक हाल फिलहाल में अभी हुई ONGC में नवी मुंबई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब ये बात क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये इसीलिए है कि जो हमारे देश में आज की डेट में जो रिफॉर्म है मजदूरों को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके, वो कितने वीक हैं। और इससे एक डर भी सामने आता है कि कहीं वो वाली ट्रेजेडी ना हो जाए जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर हुई थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। अब शायद ये लोगों को भूल भी गए होंगे कि बाटला एक पंजाब में वो एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 2 दर्जन के लोग करीब मारे गए थे। शायद ये बात भी थोड़े टाइम बाद ये भूल जाएंगे, लेकिन ये रिफॉर्म कहीं ना कहीं जरूरी है उन लोगों के लिए जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। एक 2017 में इसी फायर फैक्ट्री में लोगों ने कंप्लेन की थी, जब एक व्यक्ति की मौत हो गई थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था कि भाई हाँ भी वो मौत का रीजन क्या था, क्या क्या कारण थे उनके जानने की तरफ। अब क्या अगर वो चीज़ों के ऊपर ध्यान दे लेते तो शायद ये ट्रेजिडी, शायद ये रुक जाती। मैं कह नहीं रहा हूँ कि वो पक्का रुक जाती, मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती वो रीजन जानने की। तब से वो उसको बंद कराने की मांग कर रहे थे, 2017 से वो मांग चल रही थी बंद कराने की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 2019 4 सितंबर को आपके सामने एक ट्रेजेडी सामने आती है, कितने परिवारों के, मतलब जहां वो लोग काम करते थे उनके परिवारों के, उनके कमाने वाले, उनके सर से उनका साया उठ गया। अगर उनके दर्द को समझे ना तो कितनी बड़ी चीज आती है। आप अगर न्यूज़पेपर अगर डेली फॉलो करते हैं तो आपने वो न्यूज़ पढ़ी भी होगी क्योंकि कैसे एक औरत रो रही थी वहां पे, उसकी जो पिक्चर लगाई हुई थी न्यूज़पेपर में, देख के ही अंदर से कंपन महसूस होती थी जब वो फोटो देखी थी मैंने। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को इन रिफॉर्म को लाने के लिए कोई बड़ा काम भी नहीं करना है, पहले से जो एग्जिस्टिंग 13 जो लॉ हैं उनको कंबाइन ही करना है। जब भी अभी हाल फिलहाल में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड कंडीशन नॉम 2019 जो है वो लोकसभा जुलाई में पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि 13 एग्जिस्टिंग जो लॉ है उनको कंबाइन करना है, जो रिफॉर्म करेगा, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जैसे डॉक वर्कर हो गए, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर हो गए, डॉक फैक्ट्री वर्कर हो गए, ट्रांसपोर्ट वर्कर हो गए, और बहुत सारे इनको जहाँ पे ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की वहाँ पे। और ये अगर चीज़ें हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके अगर स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट करे, कि स्टेट गवर्नमेंट एक सेफ्टी कमेटी नियुक्त करे और सेफ्टी कमेटी का एक ऑफिसर नियुक्त करे और इसके अंदर जो भी वर्कर आ रहे हैं उनको नियुक्त करे, तो भाई फिर तो हो गया काम। स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये तो जाहिर सी बात है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं रखा जाना चाहिए, ये चीज़ें रखी जानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, कि वो इन नॉर्म्स को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करे, खासकर उन फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पर ये केमिकल काम होता है, पेस्टिसाइड हो गया या फिर कुछ और भी, जहाँ पर खतरनाक काम के लिए एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर इन नॉर्म्स को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये इसलिए है कि वो जो ट्रेजिडी हुई थी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो फिर से रिपीट ना हो, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उस कंपनी ने आज तक देश से कभी माफी तक नहीं मांगी है, ये सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए, ये शेयर कि भाई इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेबर रिफॉर्म के लिए बातें बहुत होती रहती हैं, बातें लोग बहुत करते हैं और चीज़ों को लेके, लेबर रिफॉर्म के लिए मजदूरों के उनकी सेफ्टी को लेके वो बातें कोई नहीं करता। तो सोचा कहीं ना कहीं ये बात उठानी जरूरी है, अगर ये बात मेरी लोगों तक पहुंच रही है कि हमें मजदूरों की सेफ्टी को लेके भी कंसर्न होना पड़ेगा, कि वो वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी भी एक फैमिली है, वो वहाँ काम करने जाते हैं, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करानी एक प्रायोरिटी बनती है। अब जितनी भी जो कंपनियाँ हैं वो अपने प्रोडक्शन को लेके तो बहुत क्लियर होती हैं, लेकिन जो सेफ्टी नॉर्म्स को लेके उनकी प्रायोरिटी कहाँ गई, ना वो गवर्नमेंट उनको लेके कहीं कंसर्न दिखती है, ना ही वो फैक्ट्री है वो कंसर्न दिखती है, बस एक चीज़ लिख दी जाती है वहाँ पे,
उससे कुछ नहीं होता, हमें ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऐसे रूल नियम लागू करने पड़ेंगे ताकि ये कंडीशन जो है वो, जैसे बाटला फायर, जो फायर फैक्ट्री है पंजाब में वो हुआ, ONGC में 4 वर्कर जो है वो, और भी बहुत से इंसिडेंट जो है वो लगातार होते आ रहे हैं। अभी ये केवल दो ही नहीं है, तो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में तभी इनकी बात कर रहा हूँ, और अगर इनको खरीदने जाओगे तो बहुत से आपको मिल जाएंगे, फायर फैक्ट्री के तो बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे कि बात जो थी मैं लेबर रिफॉर्म के बारे में वो आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।